अच्छी थू करते थे ठीक है लेकिन oh. मैं बता सकता हूँ लेकिन अपनी बीवी से डर लगता है क्वेश्चन था साड़ी के ऊपर कैसे पहनते नहीं आता अपना फेस मिरर में देख लो एक बार देख लो मिरर में <laughs> आप सबको जुहार मेरा नाम है मनीषा लकड़ा और मेरे चैनल द ट्रैवल गर्ल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष टॉपिक में आज मैं आप लोगों के साथ में बात करने वाली हूँ और आज हमारे साथ में है मिस नितिशा लकड़ा जो कि आज मेरे साथ जो टॉपिक है उस टॉपिक में अपने राय देगी कि क्या सही है क्या इसने सही बोला नहीं बोला सब कुछ अगर आपको भी कुछ भी राय देना है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं तो देर ना किए चलिए वीडियो को जो है शुरू करते हैं तो मिस नितिशा लकड़ा आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के मेरे इस चैनल में और मैं सबको जोहार बोलती हूँ आपके सब व्यूअर्स लोगों को मेरे तरफ से फिर से जोहार तो जैसे कि मैं पहले ही बोली कि क्या क्वेश्चन आया था मतलब मैं क्या क्वेश्चन की थी एक ग्रुप में आ, तो फिर मुझे सच बताऊँ तो कुछ सपोर्ट्स नहीं मिले अगर हंड्रेड परसेंट मैं बोलूँ तो शायद ही टू परसेंट मैं दूंगी सपोर्ट को क्योंकि एक आंटी जो थी वो मुझे पर्सनली मैसेज करके मुझे बोली कि तुमको क्या जानना है सच में तो मैं तुम्हारा हेल्प कर सकती हूँ तो इसलिए मैं और एक दो जन है जो कि जो युद्ध चल रहा था एक्चुअली कन्वर्सेशन में मतलब जो कमेंट्स आ रहे थे मुझे उसमें कुछ लेडीज़ मुझे सपोर्ट सपोर्ट किए लेकिन क्या बोलूँ इतना ही ज़्यादा मतलब तगड़ा कमेंट्स था कि मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकी हर हर कमेंट्स का मैं जो है रिप्लाई देने का कोशिश की तो कुछ कुछ कमेंट्स मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर करूंगी क्या क्या कमेंट्स आए एक सपोर्ट का कमेंट्स नहीं आया और साड़ी जबकि लड़की लोगों को पहनना आता है और उन लोगों को कमेंट करना चाहिए था मुझे सारे कमेंट्स जो है लड़कों के आए हैं और बहुत ही तगड़ा कमेंट्स आए हैं सुनिए बहुत मज़ा भी आएगा हंसे भी आएगा ठीक है जैसे कि एक कमेंट है सॉरी मैं नाम नहीं ले रही हूँ उन्होंने कहा है कि फॉरेन कंट्री से हो अपना कल्चर नहीं पता फिर एक ने लिखा है क्यों खुद को बेजती कर रही हैं आप फिर एक जन ने लिखा है अपनी आयो से पूछो फिर और एक जन ने लिखा है मैं बता सकता हूँ लेकिन अपनी बीबी से डर लगता है और एक जन ने लिखा है वाह इतना महत्वपूर्ण सवाल ऐसा लिखा है और एक जन ने लिखा है बताने को तो मैं भी बता दूँ लेकिन मुझे भी जानना है कि कुर्ता कैसे पहनते हैं मतलब कितना ट्रॉलिंग हुआ है मेरा एक क्वेश्चन से तो इसमें क्या राय है आपका पहली बात तो ये है कि अगर नहीं बताना है तो मत बताओ क्यों मतलब फालतू का आंसर तो है नहीं इन लोगों के पास तो फालतू का ये लोग ने बस बोल दिया है मज़ाक उड़ाने के लिए ट्रोल करने के लिए ताकि इनको दो सेकंड की जो होती है ना मज़े मिल जाए तो पहला कमेंट तो यही है कि फॉरेन कंट्री से हो अपना कल्चर नहीं पता ये तो सबसे मतलब पहली बात इंडिया में ही इतने सारे स्टेट्स है उसमें आपको पता है कितना सारा ट्राइब्स है मतलब सात से ज़्यादा है वो भी आइडेंटिफाइड है मतलब उससे भी कितना ज़्यादा होगा तो आप इंडियन होके भी आपको एक्चुअली पूरा इंडिया का जो कल्चर है ना वो कभी नहीं पता चलेगा इंडिया का एक कल्चर नहीं होता बहुत सारा कल्चर होता है और इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप फॉरेन से हो या एन हो मतलब आपको अपना कल्चर नहीं आता किसी को भी अपना कल्चर हंड्रेड नहीं आता हमारा कल्चर पूरा जो इतने साल से डेवलप हुआ है इधर उधर मिक्स हुआ है वो तो होते ही आया है तो एग्जैक्टली exactly अपना कल्चर किसको पता होगा और ऊपर से जैसे तुम हो जलपाईगुड़ी से मैं कोलकाता में ही पली बड़ी हूँ तो हम दोनों में भी एक हम लोग एक ही ट्राइब हम लोग एक ही फैमिली से हैं हम लोग उड़ाव ट्राइब से हैं लेकिन हम लोग के अंदर भी वो कल्चरल डिफरेंस दिखेगा क्योंकि मनीषा के अंदर कल्चर जो जलपाईगुड़ी में उराव लोग फॉलो करते हैं वो आएगा और मेरे अंदर जो कल्चरल मतलब मेरे अंदर वो बेंगोलीनेस भी आ गया है मुझे बंगाली जब मैं बोलती हूँ तो लोग सोचते हैं मैं बंगाली ही हूँ तो उस हिसाब से देखो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उराँ नहीं हूँ है ना मतलब जैसे तुम भी जब बंगाली बोलती हो तो बंगाली तुम्हारा बहुत अच्छा है उसका मतलब तुम बंगाली नहीं हो वही कल्चर ये फॉरेन कंट्री से हम हमको समझ में नहीं आया मतलब ये क्या बोल रहे हैं पता नहीं मतलब अजीब सा है कुछ भी बोलना है बोल दिया वैसा टाइप का तो और एक जो कमेंट है लेकिन अपनी बीवी से डर लगता है मतलब <laughs> तो हद होता है एक कमेंट का हद होता है लिमिट क्रॉस कर गया है इस पर हाँ ये इंसान सच बोलू तो बेशरम है मतलब हाँ। बेशर्मी की हाइट पहुंची है इसको एक एक लड़की ने कमेंट किया है साड़ी पहनना लेकर और ये बहुत शेमफुल एक घटिया सा ही कमेंट है उस उस पर ही रहने देना चाहिए बस इस पर और मतलब चर्चा करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसको ऐसा ही उसका इंटेंशन सही नहीं था एक्चुअली यहाँ पे किसी ने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ लेकिन हाँ सब पे ट्रोलिंग करने के लिए मजाक उड़ाने के लिए लाइन में आ गए हैं और भी और भी काफी सारे ऐसे सा कमेंट है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी ठीक है तो मैं नेक्स्ट में जा रही हूँ एक वहां पे एक ऐसा आ, इंसान था जबकि ये सारे लड़के थे तो इसलिए था बोल रही हूँ लड़का ही है नाम नहीं ले रही हूं इतना ज्यादा कमेंट्स किया इतना ज्यादा कमेंट्स किया है और ऐसा नहीं कि सपोर्ट वाला कमेंट्स मतलब जितना हो सके आ, उसका बस चले तो आ, बस वही आदिवासी रहे बाकी किसी को आदिवासी ही ना बोले अगर उसको नहीं आता है तो और उसने तो एक ऐसा भी कमेंट किया था मुझे कि मुझे बोलने में मजबूर कर दिया था कि कोई भी इंसान पैदाइशी सब कुछ जान के नहीं आता है मुझे इतना गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर में तो उसका जो है अभी मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ ठीक है उन्होंने लिखा है हमारे आदिवासी पहनावा सिर्फ कपड़े नहीं होते हैं ये हमारी संस्कृति और परंपरा के उजागर करने का माध्यम भी होता है लेकिन दुख की बात यह है कि अब आदिवासी समाज के लोग आदिवासी पहनावा को भूलते जा रहे हैं लोग आधुनिक तो है हो गया हो गए लेकिन अपनी संस्कृति के प्रति कोई ज्ञान नहीं है तो अपनी संस्कृति को कैसे संभाल कर रखेंगे समझ में नहीं आता यह बहुत दुख की बात है तो देखिए यहाँ पे कोई भी इंसान ठीक है पैदाइशी सब कुछ जान के नहीं आता है और ज़रूरी नहीं है कि हम आदिवासी कल्चर में ही बड़े हों क्योंकि अब ये चीज़ जो है काफ़ी सारे स्टेट में फैले हुए जैसे हम आदिवासी होके हम पश्चिम बंगाल में रहते हैं तो हमें जो प्रॉपर एक नॉलेज होता है वो हमें नहीं मिल पाता है लेकिन एक चीज़ हम पे एक सही चीज़ है कि हमें उस चीज़ को जानने का इच्छा है बाकियों का जैसा नहीं कि हम अपने आप को आदिवासी तो कहते हैं लेकिन हम लोगों को बेसिक नॉलेज ही नहीं पता, या फिर हम जानना भी नहीं चाहते हैं हमें जानना है बोल के हम क्वेश्चन करते हैं लेकिन जब वो क्वेश्चन सुन के इंसान हंसते हैं तो वो इंसान सबसे बड़ा बुड़बक मैं बोलूंगी उसे ठीक <laughs> है क्योंकि कोई भी इंसान सब कुछ जान के नहीं आता है दुनिया में तुम क्या बोलती है हाँ मतलब देखो वो लिखा सही है कि हाँ कि भूलते जा रहे हैं आधुनिकता आ रही है उसका मतलब हमें संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए वैसा चीज लेकिन वही ना तुमने क्वेश्चन किया था क्या क्वेश्चन था साड़ी के ऊपर कैसे पहनते हैं नहीं आता तो वही ना जानकारी चाहिए किसी को नहीं ही आ सकता कुछ भी वही सब तो में नहीं है उस चीज़ को लेकर मुझे मतलब यही समझ में नहीं आ रहा है कि बस एक इंसान को जानने की इच्छा है अपने ही कल्चर और अपने ही मतलब आइडेंटिटी को लेकर और यहाँ पे उसी को लेकर ये लोग इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं और इतना बात घुमा रहे हैं पर बात की बात बोल दो और तुमको नहीं आता उस चीज़ के बारे में मत कमेंट करो तुम मतलब कहाँ दिखाना क्या चाह रहे हो तुम बहुत इंटेलेक्चुअल हो तुमको बहुत पता है ऐसा नहीं होता किसी को नहीं पता कुछ भी जन्म और आधुनिकता हो गई है उसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आदिवासी जो ट्रेडिशन है वो भूल जा रहे हैं वैसा नहीं है और ऑब्वियसली अगर हम लोग मतलब मॉडर्न हो रहे हैं तो हमें आद, आदिवासी जो हमारा ट्राइबल कल्चर संस्कृति है उसको एक साथ मिक्स करके लेना है हमारे इसका मतलब ये नहीं है कि आदिवासी लोगों के बीच में जो सुपरस्टिशन जिसको बोलते हैं अंधविश्वास वो, वो उसको हटाना है कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें भूलनी है कुछ कुछ चीज़ें जो असली में हमारी आइडेंटिटी हमा, हमारी जो ये संस्कृति है उसको बचानी चाहिए उसको बचाना है वैसा चीज़ मतलब ये भी समझना पड़ेगा कि हर चीज़ नहीं बचने वाला ऑब्वियसली टाइम के साथ वो चीज़ इधर उधर होने वाली है और किसी को उस चीज़ पे लेके छोटा करना ये कोई मतलब ये बुरी बात होती है और ये दिखाता है कि वो इंसान जो किसी और को छोटा कर रहा है वो कितना छोटा है मतलब वो कितना उसको वो खुद बहुत छोटा इंसान है ऐसा बोलना चाहिए और और नहीं पता तो फिर काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे तो एक लड़की जो थी शायद आंटी मेरे से काफ़ी उम्र में बड़ी होगी तो आंटी बोलूँगी उन्होंने मुझे बस इत मतलब मेरा कमेंट्स देखा कि मैं हर कमेंट्स का सबको रिप्लाई कर रही थी क्योंकि सबके कमेंट्स ही इतना अजीब आ रहे थे ना मुझे उन लोगों को मुँह तोड़ जवाब देना था इसलिए जबकि मैं ट्राइब को लेकर ज़्यादा सीरियस हूँ इसलिए मुझे अगर कोई इसके बारे भला बुरा बोलता है तो मुझसे रहा नहीं जाता है मैं चाहे तो इग्नोर कर सकती थी लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा था क्योंकि कमेंट्स ही इतने अजीब व गरीब आ रहे थे तो फिर एक आंटी जो थी वो मुझे काफ़ी सपोर्ट कर रही थी मेरा कमेंट्स देख के एक्चुअली मैं सबको कमेंट्स रिप्लाई कर रही थी तो उन्होंने आ, काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़ के उन्होंने भी एक कमेंट किया लिखा हुआ है सॉरी बेटा यहाँ ट्रेडिशनल की बात नहीं हो रही यहाँ हाउ टू वेयर की बात हो रही है मतलब कि उनको बोल रही है जो कि कमेंट्स कर रहे हैं एक लड़का जो है बहुत ही भला बुरा कमेंट्स कर रहा था उनको बोल रहे हैं कि यहाँ पे बस कैसे पहनेंगे वो बात हुई है आप तो पूरा ट्रेडिशनल को उठा के यहाँ पे उसका जो तो कर रहे हो तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा था इसलिए वन परसेंट एंड जो मुझे पर्सनली uh, मैसेज करके बोलती है कि कैसे uh, साड़ी पहनना है तुमको जानना है तो मैं बता सकती हूँ उसके लिए वन मतलब टू परसेंट हंड्रेड में टू परसेंट दूँगी कि टू परसेंट मुझे सपोर्ट मिला है ठीक है और मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ रुकिए एक मिनट तो आ, उसने जो मुझे कमेंट किया था मतलब वो लड़का जो मुझे कमेंट किया था पह, पहनावा लेके ठीक है तो उसमें फिर मैं रिप्लाई की थी कि मैं जो क्वेश्चन की हूँ उसका आपका आपके पास कोई आंसर नहीं है तो बाकी नॉलेज आप प्लीज़ ना दें मैं ये कमेंट की थी उसके बाद में वही और एक जो आंटी थी वो उन्होंने लिखा कि ऐसे ही मुझे लिखी मुझे आ, कमेंट की ऐसे ही जवाब के लायक है ये आज की पीढ़ी गुड शॉट बेटा मुझे ऐसा बोल रही है उसके बाद में फिर से उस लड़के ने मुझे कमेंट किया है कि आपके सवाल का कोई मतलब नहीं है आप उड़ाँव लड़की हो और आपको अपना पहनावा नहीं पता ये बहुत शर्म की बात है मतलब कि मुझे लगता है ये जो लड़का है ये लड़का का जो आने वाला मतलब पीढ़ी होगा ये पूरा नॉलेज लेके ही दुनिया में आएगा इसे अलग से सीखना नहीं पड़ेगा या फिर ये लोग नहीं सिखाएंगे ऐसा ऐसा मतलब लग रहा है कि लग रहा है इसका वो अपना बच्चे उसका जब बच्चा लोग होगा तो वो बोलेगा कि नहीं तुम्हें तो पहले से पता होना चाहिए तुम तो मेरे मतलब मेरे कल्चर में ही जन्म में हो वही मैं तुमको कुछ नहीं सिखाऊंगा किसी से पूछना भी मत अजीब लोग अजीब है बस तो वो जो आंटी मुझे सपोर्ट कर रही थी कमेंट्स में उन्हें ये लड़का जो है ये लड़का ऐसे लिखे हैं ये लड़के लड़का क्या बोलो पता नहीं ये लड़का ऐसा लिखा है इसे कि अपना समाज का इज्जत कीजिए और अपने से छोटे का मार्गदर्शन कीजिए ना कि उसे गलत रास्ते भेजे ये तो खुद ही गलत रास्ता भेज रहे सपोर्ट नहीं करके इसे और दूसरों को ज्ञान बांटने का क्या ज़रूरत अब क्या बोलो इसमें है ना ये जब मैं कुछ आ, का मतलब जानने चाहिए ये मुझे नहीं बता रहे हैं उल्टा ट्रॉल कर रहे हैं तो ये कहाँ मार्गदर्शन कर रहे हैं ये तो उसका उल्टा ही कर रहे हैं ना ये और दूसरों को बताते हैं कि मतलब छोटों का जो है या फिर आपसे उम्र कम लोगों का मार्गदर्शन कीजिए ये खुद ही मार्गदर्शन नहीं कर रहे हैं ये कहते हैं दूसरों को मार्गदर्शन करने के लिए हमारे आदिवासियों में मैं देखी हूँ ठीक है उरांव ट्राइब में हेल्प के लिए कोई नहीं होगा लेकिन लेक्चर के लिए बहुत लोग बहुत लोग क्रिटिसाइज सब करेंगे रे ऐसा मैंने देखा जब से मैं अपना YouTube चैनल ट्राइबल वाला की ना तब से ये चीज मैं बहुत गौर की हूँ कोई तुम्हारा हेल्प नहीं करेगा लेकिन तुम्हें भला बुरा या फिर ज्ञान नॉलेज बहुत बड़ा बड़ा नॉलेज ये एक एग्जाम्पल है भी खाली जो बर्तन होता है ना पीटने से ज्यादा आवाज करता वैसा टाइप का वैसा टाइप का ही ये ना कैसा वो जो थ्री इडियट्स में एक था ना लोग देते नहीं छुपा के रखते वैसा वाला है मैं देखा मैं अपना इन्फॉर्मेशन बांटूंगा नहीं छुपा के रखूंगा मुझे नहीं देना है लेकिन उसको खुद पता होना चाहिए तो फिर मैंने उसे कमेंट किया था कि आ, मैं वेस्ट बंगाल में रहती हूँ मेरा पालन पोषण भी बंगाली लोगों के साथ हुआ है पर मैं अपनी ट्राइब को कभी नहीं भूली और जानने की कोशिश की ना कि आप लोग जैसे नाम के वास्ते आदिवासी यहाँ पे मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मुझे ऐसा उसको कमेंट करने में मजबूर कर दिया था क्योंकि मैं देखी हूँ ज्यादातर लोग जो लोग रांची झारखंड तरफ के होते हैं सबको नहीं बोल रही हूँ ठीक है इसलिए सबको दिल में मत लीजिएगा कुछ दर कुछ, दर कुछ दर नहीं, नहीं। हाँ लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं ना कि आ, ऐसा वो लोग सोचते हैं कि हम लोग एकदम पूरा प्योर आदिवासी जैसे हम लोग उन लोग खुद लोग ही प्योर आदिवासी नहीं है लेकिन हम लोगों को भी सोचते हैं कि वैसा क्योंकि झारखंड ही है जहाँ पे हम लोगों का आदिवासी लोग बचपन से वैसा ही होता है शहर छोड़ के गाँव तरफ आजकल तो गाँव में भी वो सब खत्म हो रहा है धीरे धीरे तो हम बंगाल में हम बंगालीज लोगों के साथ में पले बढ़ रहे हैं वो लोग सोचते हैं कि हम लोगों को पूरा ही एक आदिवासी वाला सब जानकारी आना ही चाहिए जब नहीं आता है तो वो लोग मजाक उड़ाते हैं ये सिर्फ हम लोगों का पश्चिम बंगाल का बात नहीं है बाकी जितने भी स्टेट हैं आ, वो छोड़ के रांची छोड़ के बाकी जितने भी स्टेट वहाँ पे ऐसे मिक्सन मिक्सन मैच होता है मिक्स टाइप का होता है तो इसका प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिए आप लोग किसी को बिना जाने इतना कुछ कमेंट्स नहीं कर सकते पहले चीज को जानिए परखिए फिर कुछ बोलिए तो पहली बात तो ये है कि हर इंसान का जो जन्म और पालन पोषण जैसे अलग होता है जो झारखंड में भी अगर हो तो वो तो हर फैमिली अलग होता है ना और जो फैमिली किस तरीके से बड़ा किया है या फिर अगर आप किसी और फैमिली के बीच भी बड़े पले बड़े होंगे तो उसमें भी निर्भर करता है और ये भी समझना पड़ेगा कि हमारे आदिवासियों के बीच स्पेशली जो राव ट्राइब है उनको जिस तरीके से उनका जो एक जगह से दूसरे जगह ब्रिटिश लोगों ने इधर उधर किया है हम लोगों को ये एक स्ट्रगल है हम लोग हम लोग उड़ाव लोगों का कि हम लोग को अपने घर से अपना जो जगह था उसको छोड़कर हमारे जो पूर्वज थे वो लोग को छोड़ना पड़ा था वो लोग को काम के वास्ते असम नॉर्थ बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के कुछ जगह में ले जाया गया था और वहाँ पे लेबर के हिसाब से रखा गया था वो चाय बगान के लिए तो आपको पता है कि ये फैमिलीज जो लोग मतलब ये लोग जो लोग गए थे वहां पे उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ा होगा उस जगह पे फिट होने के लिए पूरा फैमिली छोड़ के वो लोग गए हैं लेबर के हिसाब से मतलब पैसा तो कुछ भी नहीं था उस समय ब्रिटिश लोग बस खटवाते थे और एक दूसरे जगह पे दूसरे लोगों के बीच में अपना कल्चर बिना फैमिली बिना जान पहचान वाले लोग के बीच में जिंदा रखना इम्पॉसिबल होता है मतलब बहुत मेहनत से रखना पड़ता है उसमें वो सोचो उसमें जो कल्चर मिक्स एक हुआ है वो भी है तो उसके बीच हम लोग कोशिश कर रहे हैं हम लोग जो लोग नॉर्थ बंगाल और मैं बंगाल मतलब बंगाल में से हैं हम लोग कोशिश कर रहे हैं सीखना क्योंकि हमारे माँ बाप भी सही से सीख नहीं पाए हैं क्योंकि उनको कंपटीशन करना पड़ा है अपने आसपास के लोगों से जैसे पढ़ाई के हिसाब से हो काम के हिसाब से हो हम लोग के फैमिली दूसरे जगह पे है यहाँ पे दूसरे ट्राइब्स हैं दूसरे कल्चर्स और दूसरे कास्ट लोग हैं वो लोग के साथ कम्पीट करना पड़ा है क्योंकि उनका कोई आसपास है नहीं जो उनकी बात समझे उनकी जो ये पीढ़ी मतलब पीड़ा है वो समझे और यहाँ पे हम लोग जब सीखना चाह रहे हैं उस समय आप ये नहीं कर सकते एक खैरार की नहीं मतलब तैयार कर सकते कि ओ तुम्हें कुछ पता नहीं है तुम छोटे हो मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोग सीखना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने एक जो स्ट्रगल किया है उसमें हाँ कुछ इंफॉर्मेशन जो कुछ चीज़ें हम लोग भूल चुके हैं भूले नहीं हैं वो एक भूलने का कारण भी है ये जानना चाहिए कि ये भूल मतलब ये इच्छा करके नहीं कि हमें नहीं जानना है बोल के हम लोग नहीं जाने हैं एक कारण के वजह से ये जो भूल मतलब हमें नहीं पता है वो कारण आपको जानना चाहिए ऐसा नहीं कि मज़ा के वजह से ओ नहीं हमको नहीं जानना बोल के ऐसा नहीं होता है बहुत रीजन्स होते हैं एंड हमको लगता है कि ये कारण ये लोग नहीं जानते और जानने का कोशिश भी नहीं करते हैं और आप लोग को भी जब आप किसी को आपको अगर ये लगे कभी भी कि ओ ये आदिवासी हो के इसको आदिवासी लोगों के बारे में नहीं पता या, या फिर इसको ये नहीं पता वो नहीं पता आपको तब एक बार उसको पूछना चाहिए कि क्यों नहीं पता है तुम्हारे फैमिली में ऐसा क्या मतलब क्या वो लोग को पता है नहीं पता है वो जानकारी आप अगर मतलब समझेंगे अगर आपको पता चलेगा तब आप देखेंगे कि कितने सारे आंसर्स आपको मिलते हैं जो कि एक्सप्लेन करेगा क्यों नहीं पता है ऐसा नहीं है कि वो लोग बस हमको मैं नहीं हमको आदिवासी नहीं बनना ऐसा नहीं है हाँ कुछ एक दो लोग मिल जाएंगे वैसा वैसा हर जगह होता है लेकिन मैक्सिमम लोगों को नहीं पता मैक्सिमम लोग प्राउड नहीं होते क्योंकि या तो बचपन से वो लोग के फैमिली में वो नहीं हुआ है क्योंकि वो लोग ऐसे जगह पे पले बड़े हैं जहाँ पे वो लोग को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है अपने आइडेंटिटी को लेकर जैसे मुझे करना पड़ा है तुम्हें भी करना पड़ा होगा शायद हम लोग है रहते ही हैं बंगाली एक ऐसे जगह पे जहाँ पे हम लोग बंगाली में बात किए हैं बंगाली कल्चर को फॉलो किए हैं हर चीज़ बंगाली बेंगोली नस्ट होता है हम लोग मनाते भी बंगाली त्यौहार सबको है तो वहाँ पे आपको नहीं लगता कि हम लोग कहीं ना कहीं अपना आइडेंटिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं इस जगह पे रहने के लिए मतलब सही से खुशी से रहने के लिए तो ये चीज़ भी इन लोगों को नहीं पता और मतलब जानना चाहिए और आप सबको भी ये जानना चाहिए तो यही मतलब एक मेन इम्पॉर्टेंट बात होती है जो कि लोग भूल जाते हैं बहुत समय लेकिन दूसरों के स्ट्रगल्स को भी समझिए कि हाँ सबका एक स्ट्रगल होता है तो जैसे कि हम लोग पश्चिम बंगाल से जैसे कि ये भी है पश्चिम बंगाल से मैं भी पश्चिम बंगाल से तो जो लोग भी रांची से हैं उन लोगों को ये प्रॉब्लम कम से कम फेस नहीं करना पड़ता होगा जो हम लोगों को करना पड़ता है जैसे कि हम लोग बंगाली एरियाज़ में हैं तो हम लोगों को जानते हैं लकड़ा मतलब भी समझ में आता है कि आदिवासी या फिर जब कोई पूछता है तो मैं कभी भी नहीं हिचकिचाई हूँ कि मैं आदिवासी हूँ बोलने के लिए क्योंकि बहुत कोई को पता ही नहीं कि लकड़ा क्या होता है यहाँ पे ठीक है तो हम बोलते हैं कि इसका मतलब होता है आदिवासी में आदिवासी ट्राइब का ठीक है तो फिर उरा उरा इतना कुछ लोग आदि लकड़ा आदिवासी है यही नहीं पता तो उरा इतना डिटेल्स में तो और जाना ही नहीं पड़ता है हम लोगों को ठीक है तो जब भी सुनते हैं कि हम आदिवासी हैं हम लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ज़्यादातर लोगों को सबको नहीं बोलूँगी ज़्यादातर लोगों को जैसे कि मेरा ऐसा होता था जब मैं ड्यूटी जाती थी मुझे चिढ़ाया जाता था ये तुम आदिवासी है तुम लोग तो ये खाता है ना तुम लोग तो वो खाता है ना तुम लोग तो ऐसा ड्रेस पहनता है ना छी थू करते थे ठीक है लेकिन उतना कुछ में हम लोगों को मेंटेन करके आगे बढ़ना होता था ऐसा ऐसा दिन देखना पड़ता था कि आंख में आंसू आ जाएगा ऐसा ऐसा हम लोगों को कमेंट पास करते थे लेकिन हम लोगों को फिर भी डट के उन लोगों के साथ में काम करना पड़ता था यह शायद ही बाकी मतलब जो लोग रांची के हैं उन लोगों को शायद ही ऐसा झेलना पड़ता है तो जर आप जरूरी नहीं कि आपको पूरा आता है या फिर आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हो तो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं बाकी स्टेट वाले लोग काफी कुछ झेल रहे हैं आगे बढ़ने के लिए लेकिन फिर भी वो लोग अपने आप को प्राउड से कहते हैं कि हम आदिवासी हैं छिपाते कम से कम नहीं है जबकि हम दिखते भी आदिवासी नहीं, है।, नहीं, <laughs> नहीं, बहुत नहीं है बहुत कोई लोग बहुत कोई लोग बोलते हैं कि सच में तुम आदिवासी हो या फिर मतलब उराव नहीं, नहीं लगते नहीं लगते हो तो हम लोग छिपा ही सकते कि नहीं हम लोग आदिवासी नहीं हम मुझको तो तो ऐसा ऐसा भी काफी बार आया है कि आह, तुम तो बंगाली हो ना या फिर तुम तो उराव सॉरी क्या बोलते हो होते बिहारी बोलते हो क्योंकि हिंदी में बात करते हैं ना हम लोग तो तुम तो, तो बिहारी इतना अच्छा हिंदी बोलते हो बिहारी हो क्या मड़वाड़ी हो क्या लेकिन मैं बोलती हूँ नहीं मैं आदिवासी हूँ मैं प्राउड से बोलती हूँ कि मैं आदिवासी हूँ यहाँ पे आदिवासी को कोई सर पे चढ़ा के नहीं रखता है सब कोई चीतू करते हैं ठीक है आ, बोलेंगे जंगल से, जंगल से में 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 रहते थे ना बार ऐसा टाइप मुझे भी बचपन ऐसे सुनने आया था कि अच्छा तुम आदिवासी और मुझे तो आदिवासी क्या था नहीं पता तो किसी ने मतलब वो भी बच्ची थी तो वो भी बोली अरे आदिवासी मतलब तुम जंगल में रहती हो मैं तो मैं सोची जंगल में क्यों रहती हूँ मैं तो घर में रहती हूँ अब बच्चा का दिमाग क्या सोचेगा मैं सोची हाँ मैं तो घर में रहती हूँ जंगल में कहा रहती हूँ तो वही एक मतलब तो आप लोग को भी आदिवासी अगर आप ऐसे मतलब अपने आप के बीच में होंगे तो ये सब आपको बहुत कम झेलना पड़ेगा जब ही आप आदिवासी होके एक ऐसे समाज में रह जहाँ पे अपर कास्ट और दूसरे कास्ट लोग और ट्राइबल लोग नहीं है ज्यादातर मतलब हिंदू समाज के जो दूसरे लोग हैं वो लोग के बीच में अगर आप रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से एक डिस्क्रिमिनेशन होता है मतलब बहुत हल्का तरीके से ही होता है लेकिन होता है और आपको अनकम्फर्टेबल फील कराएगा वैसा टाइप का उनको समझ में नहीं आता लाइक ये स्ट्रगल हम लोग सब उराव ही हैं हम लोग सब आदिवासी हैं तो हम लोग एकजुट होना चाहिए ना कि किसी को छोटा करना चाहिए और यही कि हम सब एक ही हैं हम लोग मतलब हम लोग के डीएनए में इंफॉर्मेशन हम लोग के खून में इंफॉर्मेशन नहीं जा रहा है हम लोग के मतलब हम लोग को सीखना पड़ता है हमारे पूर्वज लोग क्या करते थे वो लोग सिखाते थे हम लोग के पूर्वज जो इतने सारे जड़ी बूटी के बारे में हमारा जो कल्चर ऐसा क्यों है रीति रिवाज वो लोग तो पीढ़ी दर पीढ़ी आया है ना वो पूर्वज लोग ने नहीं बोला नहीं हम नहीं सिखाएंगे तुम खुद सीख लो तुम्हें आना चाहिए वैसा तो कभी नहीं हुआ है तो वही बस इतना सही बात है कि समझ एक दूसरे को समझो एक दूसरे की बात सुनो एक दूसरे का स्ट्रगल अगर हो नहीं हो तो भी समझो हमें एक दूसरे हम एक दूसरे के लिए हैं बाहर के लोग हमारे लिए नहीं खड़े होंगे हम लोग ही एक दूसरे एक दूसरे के लिए खड़े हो पाएंगे तो फिर और एक आंटी जो मेरे साथ में सपोर्ट दे रही थी उन्होंने उस लड़की को ऐसा कमेंट किया उसके बाद में तुम लोग कौन सी इज्जत कर रहे हो ज्ञान बाँटना आसान है जो सवाल है उसकी बात करो पहली बात लड़कों को इस पोस्ट में इतना इंटरेस्ट क्यों है आपको साड़ी पहनना आता है आता है क्या जो चले आए पोस्ट पर आता है तो गाइड करो मज़ाक बनाने का अधिकार किसने दिया है तुम लोगों को ऐसा उस लड़के को एक आंटी थी वो उसने कमेंट किया जो कि मुझे थोड़ा बहुत आ, आ, हेल्प कर रही थी तो बिल्कुल सही कहा है इसने कि पता नहीं कोई तो मुझे सही से बताने के लिए आया नहीं है लेकिन हाँ सब कोई मजाक उड़ाने के लिए आ गए हैं तो इसीलिए वो बोल रही थी सपोर्ट करना है तो करो वरना यहाँ पे मजाक उड़ाने का यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है तो फिर नेक्स्ट जो है मैं पढ़ती हूँ तो फिर उस लड़के ने उस लड़के ने ऐसा कमेंट किया पहले तो अपना आ, कास्ट मेंशन किया उसके बाद में लिखता है कास्ट से बिलोंग करता हूँ और मुझे अपने ट्रेडिशनल ड्रेस पता है एंड कैसे वेयर किया जाता है ये भी पता है किसी को आ, वास्ते आदिवासी एक्चुअली मैं वहाँ पे वास्ते लिखी थी तो वो ये सोच रहा रहे वेस्ट आदिवासी बोलने से पहले अपना फेस मिरर में देख लो एक बार देख लो मिरर में तो मिरर में मेरा फेस अगर मैं देख भी लूँगी तो क्या हो जाएगा मैं नॉन आदिवासी बन जाऊँगी या फिर मुझे आदिवासी का पूरा नॉलेज आ जाएगा या फिर क्या हो जाएगा मुझे समझ में नहीं आया शायद उसने ऐसे ही मतलब अपना वो जो ड्रेस पहनना उसको पता चला है मिरर में देख देख के शायद वैसा पता चल जाएगा मुझे भी क्योंकि उसने लिखा नहीं है इसके बाद क्या, क्या करना है बस लिखा है कि मिरर में देखो पहली बात वो एक कोई और शेड्यूल कास्ट का है जो कि बता अभी बताने का जरूरत नहीं है वो कौन से कास्ट में बिलोंग करता है और यहाँ पे उड़ाव लोग के बारे में डिस्कशन चल रहा था मतलब जो भी क्वेश्चन था वो उड़ाँव ट्रेडिशन के ऊपर था तो किसी और कास्ट को मतलब आके क्वेश्चन करना कि तुमको क्यों नहीं पता है ये जरूरी नहीं है वो अपने कास्ट के बारे में बता सकता है अपने कास्ट में जैसा पहना जाता है वो उसके बारे में बता सकता है बट ये मतलब क्रिटिसाइज करना फालतू बात है और वो ओर आउट ट्राइब से भी नहीं था मैं हाँ, यहाँ तो पे ओराउट तो ट्राइब, ट्राइब के बारे में पूछ रही थी और वो कोई ट्राइबल इंसान मतलब ट्राइब भी ट्राइब नहीं, नहीं है शेड्यूल्ड ट्राइब है और वो एक शेड्यूल्ड कास्ट से कास्ट है।, है तुम्हारा अंतर समझ कास्ट कहीं और है ट्राइब कहीं और है तो तुम यहाँ पे मतलब ये इंसान जो यहाँ पे क्या खिचड़ी पका रहा है हमको नहीं पता और ये जो पहली बात वो बोल रहा है कि उसे ड्रेस पहनना आता है तो वो शायद वैसे ही जन्मा था मतलब ऑलरेडी वो पहन के ही निकल आया था दुनिया में तो शायद वो यही बताना चाह रहा है कि हम लोग वो ट्रेडिशनल जो उड़ाव साड़ी वो पहन के डायरेक्टली नहीं दुनिया में आए हैं तो शायद यही हमारी गलती है वहीं बता रहा है वो तो जैसे कि एक आंटी ने मुझे सपोर्ट करके बोला था कि यहाँ पे लड़कों लड़के लोग यहाँ पे कमेंट क्यों कर रहे हैं जबकि उस टॉपिक में भी बात नहीं कर रहे हैं उल्टा ट्रॉल बना रहे हैं तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता जो मैं क्वेश्चन क्यों उसमें लड़के लोग ऐसे ट्रॉल वाला कमेंट करें ठीक है तो फिर उनको इन्होंने फिर रिप्लाई किया है ये लड़के ने इस ये लड़का जो है ये लिखा है लड़कों की इंटरेस्ट की बात नहीं है ओराव ट्राइब की ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम की बात हो रही है जो अपने सोसाइटी के कॉस्ट्यूम के वेयर नहीं करना जानते वो अपने सोसाइटी के लिए क्या नॉलेज रखेंगे एक तो बात सोसाइटी यहाँ पे सोसाइटी वो क्यों बोल रहा है हम लोग तो एक तो वैसे ट्राइबल सोसाइटी में रहते ही नहीं है हम ट्राइब ट्राइबल हैं हम आदिवासी है इसीलिए वो चीज़ को जानना चाहते हैं ना कि हम आदिवासी परिवेश में है बोल के जानना चाहते हैं ऐसा कुछ नहीं है रहते तो जान ही जाते जानने का और एक्स्ट्रा जरूरत ही नहीं पड़ता तो ये मुझको थोड़ा सा अटपटासा लगा और फिर ऐसा ऐसा कमेंट्स देके फिर मैं भी कमेंट की कि आप सब बस पैर पसार के डिबेट कीजिए वैसे भी आपसे कोई ना जीत पाएगा और कोई कुछ जानना चाहता है तो आप जैसा लोग के पास में मज़ाक बन जाएगा जैसे कि ये वाला जो ग्रुप है इसमें एक लड़की मैं काफ़ी टाइम पहले देखी थी एक लड़की ने जो है आ, ऐसे ही मैं जैसा पोस्ट की वैसे ही वो लड़की पोस्ट की थी कि आ, इस ग्रुप में अगर किसी को आदिवासी डांस आता है या सिखाते हैं तो मतलब ऐसा क्या कोई सिखाते हैं हाँ तो मैं सीखूँ उसको सीखने का इच्छा था तो वहाँ पे इतना सारा मतलब बुरा कमेंट्स आया उसको लेके ट्रॉल बना मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगा अगर कोई आदिवासी चीज़ को जानना चाह रहा है तो हम क्यों उसका हेल्प नहीं करते हैं हम उसका मजाक हंसी क्यों उड़ाते हैं ऐसे में तो आदिवासी और पीछे तो पीछा तो है ही पिछड़ा आदिवासी और पीछे रह जाता है मतलब आगे जो चले गए वो तो आगे चले गए लेकिन जो नहीं आ पा रहे हैं उनको हम लाने का कोशिश भी नहीं करते अगर इंटरेस्ट भी है तो उसका मजाक उड़ाते ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोगों का आदिवासी धीरे धीरे जो है खत्म हो रहा है तो अभी इसे बनाए रखना देखिए हमेशा तो हम नहीं मतलब ये सही से हमेशा तक रहेगा ऐसा नहीं है लेकिन कोशिश करना है कि ये लॉन्ग टाइम तक रहे कोशिश तो कम से कम करना है तो वही मैं अपने तरफ से या फिर जैसे कि नितिशाह ये भी अपने तरफ से काफी कोशिश करती है तो हम कोशिश करते हैं ऐसा नहीं कि हम कोशिश नहीं कर रहे हैं ठीक है और आदिवासी बनना मतलब आदिवासी एक लाइफ होता है उसका मतलब ये नहीं अब आदिवासी जैसे पहले रहते थे वैसे तो हम नहीं, नहीं रह, सकते रह सकते ना तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है हम लोग भी कर रहे हैं और हमको एक ये समझ में नहीं आ रहा है अगर फॉर इंस्टेंस यहाँ पे अगर कोई फॉरेन आदमी बोलता है एक फॉरेन लड़की बोलती है कि आ, इंग्लिश में लिखी हो, होती कि आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू ड्रेस उड़ाव जो भी वो मुझ मैं आपको गारंटी दूंगी सौ परसेंट से अरे हजार परसेंट ले लो सब यहाँ पे लड़के लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते कि ओ मैं सिखाऊंगा मैं सिखाऊंगा भले कुछ नहीं आ पाऊंगा लेकिन वो बोलेंगे मैं सिखाऊंगा मैं सिखाऊंगा क्यों क्यों अगर एक आदिवासी लड़की उसी ट्राइब की अगर उसको नहीं आता है तो प्रॉब्लम क्यों है और अगर दूसरा कोई सीखना चाहता है वो भी प्रॉब्लम नहीं है उसको भी अगर सीखना है तो अच्छी बात है किसी और को भी सीखना है लेकिन हम लोग खुद जब सीखना चाह रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है तो उसको लेके मतलब मजाक नहीं बनाओ तुम खुद मजाक हो अगर तुम मजाक उड़ा रहे हो किसी और का तो यहाँ पे जो आंटी मुझे कमेंट कर रही थी मतलब सपोर्ट कर रही थी उसने फिर से लिखा वो काफ़ी मतलब मेरे कमेंट में काफ़ी रिप्लाई कर रही थी उसको भी वो पर्टिकुलर एक इंसान नाम नहीं ले रही हूँ उसका भी काफ़ी जवाब जवाब दे रही थी तो फिर मुझे मेरा कम, कमेंट देख के उसने लिखा मतलब वो वो आंटी लिखी सॉरी बेटा यहाँ ट्रेडिशनल की बात नहीं हो रही यहाँ हाउ टू वेयर की बात हो रही है वो एक्चुअली वो उन्हें जो और एक लड़का था जो मुझे कमेंट कर रहा था यही लड़का उससे बोल रही थी ठीक है तो फिर ऐसे और भी काफ़ी सारे ट्रोलिंग टाइप के कमेंट्स आए थे मैं उन सबको नहीं बोल रही हूँ जो कि मेन मेन चीज़ था वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर की और जो भी ऐसे सोच रखते हैं ना कि हम हेल्प नहीं करेंगे लेकिन हम मजाक उड़ाएंगे तो फिर आप एक काम कीजिए आप अपना ज्ञान अपने पॉकेट में रखिए आपकी ज्ञान की हमें कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप किसी को हेल्प नहीं कर सकते तो एक्स्ट्रा जो ज्ञान है ना वो आप लोगों को देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे एक चीज़ होगा कि आपका फालतू का टाइम वेस्ट होगा साथ ही साथ में हम लोगों का भी टाइम वेस्ट होगा और हमें कुछ सीख उससे मिलेगी भी नहीं तो प्लीज़ अपना ज्ञान जो है नेक्स्ट टाइम से पॉकेट में रखिए जो भी एक्स्ट्रा ज्ञान देने वाले लोग और जरूरी नहीं कि मैं बार बार बोल रही हूँ ज़रूरी नहीं आदिवासी मतलब सब उसको पता हो अगर नहीं पता है तो अगर हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प कीजिए नहीं हेल्प कर सकते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों का फालतू का कमेंट्स पढ़ने के लिए हम लोगों के पास में टाइम नहीं है लेकिन ये एक्चुअली मुझे इसीलिए बोलना पड़ा इसीलिए पढ़ रही मैं ये कमेंट्स क्योंकि मैं ना सोची नहीं थी कि हमारे आदिवासी में भी ऐसे होते हैं मुझे ये सब पढ़ के और लगने लगा कि हाँ अब तो कंफर्म हो गई कि हेल्प नहीं करेंगे लेकिन मजाक उड़ाने के लिए सब कोई बैठे हुए हैं इसीलिए मैं मेरे से जितना बन रहा है उतना मैं कोशिश कर रही हूँ और तो क्या बोलो पहली बात तो हम लोग का आदिवासी लोग जो लोग हैं ये लोग कम्युनिटी होता है मतलब हम लोग के आदिवासी लोग में कोई मतलब इंडिविजुअलिटी बोल के कुछ नहीं होता है सब जो करते हैं वो कम्युनिटी के लिए करते हैं वो अपने लिए नहीं करते हैं वो कम्युनिटी का सोच के करते हैं जो पूरा जो ट्राइब का अच्छा होगा वो कर वो सोच के करते हैं और आदिवासी लोग बहुत बहुत मतलब एक दूसरे के बारे में सोचते हैं एक दूसरे को अपलिफ्ट करना जो एक दूसरे को आगे ले कर आगे बढ़ना ये आदिवासियों का एक मतलब प्रिंसिपल है ऐसा समझना समझिए और हम लोग आदिवासी लोग बहुत मतलब, मतलब कल्चरली बहुत रिच है हम लोग बहुत मतलब हम लोग का कल्चर इतना सुंदर है सब टाइप के ट्राइबल लोग आदिवासी लोग और जब ऐसे लोग दिखने को मिलते हैं जो लोग मतलब एक्चुअली मजाक है हम लोग के ट्राइबल मतलब सब टाइप के ट्राइबल लोगों के बीच में ये मजाक बन जाता है तो सोचो अभी कोई बाहर का आदमी जो ट्राइबल नहीं है वो अगर ये कमेंट्स पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि ओ आदिवासी लोग ऐसे ही होते हैं वो लोग एक अपना ही अपने में झगड़ा करते हैं मजाक उड़ाते हैं तो वो क्या सोचेगा अगर वो लोग को ये दिखेगा तो, तो वही मतलब पहले ये लोग के लिए एक ही बात है देखो वही पॉकेट में रखो या तो कहीं थैले में रख के फेंक दो ये अपना मत दो चुपचाप से बैठो क्योंकि लग रहा है कि ये सब पढ़ के क्या लग रहा है आपके पास बहुत टाइम है आप कुछ नहीं कर ऐसे आप बैठे रहते हो कि आप कब कमेंट करेंगे कोई किसी को ट्रोल करेंगे आप मत कीजिए और जो लोग आप लोग मतलब ऐसे तो सब कोई ही नहीं है हमको पता है कि ये चैनल के जो व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स है ये लोग ऐसे बिल्कुल नहीं हैं वो लोग बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और बहुत ही समझदार है अगर आपको ऐसा कभी भी लगे कि इसको क्यों नहीं आता है बस उनसे जानकारी लीजिए कि क्यों नहीं आता है वो लोग जरूर अपना एक रीज़न देंगे और बस यही बात है तो और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी बस लास्ट में मैं इतना बोलना चाहूँगी कि अगर आपको भी लगता है कि कुछ जानना है और आप किसी से पूछें और आपको ऐसे अजीब व गरीब एंसर्स आते हैं तो इतना ही बोलूँगी कि आप वहाँ से आ, मतलब भूल जाइए वहाँ से कोई हेल्प मिलने वाला है उल्टा आप इग्नोर कीजिए अगर आप पे हिम्मत है तो दो तीन बात सुना के वहाँ से आ जाइए वैसे वैसे लोगों के साथ में मतलब मू लक की भी कोई फ़ायदा नहीं है आप वापस आ जाइए और किसी से हेल्प मतलब हो सके तो आप हेल्प लीजिए तो आज का जो वीडियो है मेरा यही एक था शेयर करना था कि कैसे कैसे लोग हैं हमारे आदिवासियों में जो कि हेल्प नहीं करते लेकिन हाँ आपका जो है मोटिवेशन ख़राब करने के लिए डीमोटिवेट करने के लिए एक नंबर है तो प्लीज़ हम आदिवासी को अभी एक साथ होके अभी अगर कुछ करना है आगे बढ़ना है तो एक साथ होके ही करना पड़ेगा पहले ऐसा ही होता था लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है अगर इस चीज़ को बचाए रखना है तो एक दूसरे का बुराई मत देखिए अगर बुरा हो रहा है तो उससे आप सिखाइए क्या सही है ना कि उसका आप मजाक उड़ाइए साथ में सीखेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं ठीक है तो प्लीज़ इसका आप ध्यान रखिए और तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी वीडियो वैसे आज का बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है अगर आप ये वीडियो पूरा देखें तो बहुत बहुत थैंक यू और आज मिस नितिशा को भी बहुत बहुत थैंक यू मेरे साथ में आज ये शेयर करने के लिए अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए तो आज के लिए इतना ही आ, वीडियो में अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से आप सपोर्ट कर सकते हैं तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सब अच्छे से रहिए अपना ध्यान रखिए और एक बार जोहार